सरकारी नौकरियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचित और आपका GVTjob.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आपके लिए हर रोज नई जॉब रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें हम आपको आई हुई सभी नौकरियों की जानकारी देते हैं। तो आज हम आपके लेकर आए हैं इंडिया पोस्ट में निकली हुई भर्ती के बारे में। इंडिया पोस्ट ने हाल ही में ही स्टाफ कार ड्राइवर के पद के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है। पर वीडियो की ओर जाने के पहले या जॉब की ओर जाने के पहले हम आपको बताना चाहते हैं, नए जॉब्स की जो अपलोड्स होते हैं वो आपको तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ उसके बाजू में ही आपको एक बेल आइकन आ जाएगा और उस बेल आइकन को यदि आप क्लिक करते हो तो हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएंगे और आप आपके सुझाव हमें कमेंट में भेज सकते हो। तो दोस्तों, आशा करते वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं आज के जॉब की ओर। तो पोस्ट ऑफिस में जैसे हमने आपको कहा का स्टाफ कार ड्राइवर के पद के लिए भर्ती जारी है और यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 10th पास होना जरूरी है। तो देखा जाए तो आज बहुत दिनों बाद 10th पास उम्मीदवारों के लिए अच्छी वैकेंसीज आ रही है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपका जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल के बीच होना जरूरी है। एज रिलैक्सेशन यहाँ अप्लीकेबल है तो आपको आपके एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको एप्लीकेशन फी भरनी पड़ेगी, वो आप देख सकते हो कितनी होगी, वो हम एप्लीकेशन में या पीडीएफ उसमें देख लेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो इंटरव्यू के द्वारा होने वाली है और उसके बाद आपको जो ड्राइविंग टेस्ट है वो भी देनी जरूरी है। पे स्केल आपको मिलेगी 19,900 पर मंथ और साथ ही में आपको ग्रेड पे भी मिलेगा। यहाँ पर ग्रेड पे एज पर रूल्स लिखा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार आपको ग्रेड पे मिलेगा। तो यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो आपका जो एप्लीकेशन है, आपको ये जो एड्रेस यहाँ दिया गया है, द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस 134 AS के आहिरे मार्ग वर्ली मुंबई, यानी यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन सेंड करना है। अधिक जानकारी है जो और जॉब्स की जानकारी यदि आपको पानी है तो आप हमारे जो यहाँ पर आपको लिंक दी गई है उस पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो या जो PDF है उसे डाउनलोड कर भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। पूरी जानकारी देखने के पहले हम देख लेंगे यहाँ पर जॉब लोकेशन क्या है। जॉब लोकेशन है मुंबई महाराष्ट्र, यानी यदि आप इस पोस्ट को अप्लाई करते हो तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो मुंबई या महाराष्ट्र में होगी। लास्ट डेट इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए है 22 जनवरी 2018। तो देखा जाए तो आपको अप्लाई करने के लिए दिसंबर का पूरा महीना मिल रहा है और आधा जनवरी का भी महीना मिल रहा है। तो जल्द से जल्द, जितना जल्दी आपसे हो सके, इस पोस्ट को अप्लाई करें। आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हो। और अब हम देखेंगे और क्या जानकारी आपको प्राप्त कर सकते हो इस PDF में। PDF की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी और हर बार की तरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आर्टिकल की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर से आप जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है और PDF की जानकारी वहां पर प्राप्त कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर PDF की जानकारी आपको मिल रही है, एज लिमिट की जानकारी जो हमने आपको पहले ही डिस्कस की थी उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल रही है और सिलेक्शन, जैसे हमने कहा कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो इंटरव्यू के द्वारा होगी, पर आपको जो ड्राइविंग टेस्ट है वो देने पड़ेगी क्योंकि ड्राइवर के पोस्ट के लिए वैकेंसी हो रही है। आपका जो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन इस प्रकार होना जरूरी है, आपका फुल नेम यानी पूरा नाम ब्लॉक लेटर्स में, फादर्स नेम पिताजी का नाम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, परमानेंट एड्रेस जो आपका है आपको यहाँ पर लिखना है, एड्रेस ऑफ करेंट करेस्पॉन्डेंस विद पिन कोड, सिटीजन इंडियन सिटीजन स्लैश अदर, डेट ऑफ बर्थ, एज, रिजर्वेशन कैटेगरी यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एक्स सर्विसमैन की जानकारी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर आपका बताना है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका बताना है, जो नंबर होगा वो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना है, होम गार्ड सर्विस फ्रॉम डैश टू डैश यदि आप अपने की हो तो, कहाँ से कहाँ तक, कब से कब तक, आपकी सिग्नेचर यहाँ पर कर जो एप्लीकेशन है आपका आपको इस एड्रेस पे सेंड करना है, यानी ऑफलाइन तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। ये एड्रेस जो है मुंबई का, वर्ली का, वहाँ पर आपको पोस्ट से सेंड करना है। जो आपको डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, जैसे आप देख सकते हो इंडिया पोस्ट में भर्ती हो रही है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द आवेदन करें और आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्द से वो लाइक बटन को प्रेस करें और आगे आप कौन से जॉब्स की
वीडियोस पाना चाहते हो वो कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।